नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी चेन्नई के बारे में। हम बात करेंगे कि आरआरसी चेन्नई का सेकेंड डीवी में कितना कट ऑफ घट सकता है, इसके बारे में हम फुल एनालिसिस यहां करने वाले हैं। और जो भी आपका डाउट होगा वो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। आरआरबी वाइज हम एनालिसिस करेंगे कि सेकेंड डीवी में कितना कट ऑफ घटेगा, वेटिंग लिस्ट का क्या होगा, सारा कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक दोस्तों आप बने रहिएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि हमने आरआरसी चेन्नई के ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ खोल लिया है, जहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2019 वाला अपडेट है। हमें चलना है 2018 वाले अपडेट में। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट वन, रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट टू, रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट थ्री, फोर और पांच। मतलब टोटल अभी तक पांच रिप्लेसमेंट पैनल यहाँ चेन्नई से आ चुके हैं। ठीक है, कितने रिप्लेसमेंट पैनल आ चुके हैं, पांच रिप्लेसमेंट पैनल। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे जब जाएंगे, सभी रिप्लेसमेंट पैनल को मैंने पहले से डाउनलोड किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब जाएंगे तो ये रिप्लेसमेंट पैनल आते कब है, पहले मैं ये आपको समझा देता हूँ कि ये रिप्लेसमेंट पैनल आते कब है। तो ये रिप्लेसमेंट पैनल अंतिम में आते हैं, जब क्या होता है कि कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, कोई जॉब है रिजाइन करके चला जाता है, तब ये रिप्लेसमेंट पैनल निकालते हैं। यहाँ पे कट ऑफ क्या होता है कि घट सकता है, जोन वाइज डिपेंड करता है। जैसे क्या होता है कि साउथ में ज्यादा बच्चे जॉब छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। और ग्रुप डी में क्या होता है कि काफी बच्चों को ट्रैक मटेरियल मिल जाता है। अब ट्रैक मटेरियल में क्या होता है कि वहां पे वो अकेले पड़ जाते हैं, मतलब वहां पे मान लीजिए कि उनके ग्रुप के बिहार यूपी के बच्चे मिल गए तो वहां पे तो काम करने में उनको अच्छा लगेगा। बट क्या होगा अगर मान लीजिए किसी गांव में दे दिया उनको ज्वाइनिंग, तो गांव में अगर ज्वाइनिंग दे देगा तो सभी तो लोकल लैंग्वेज बोलेंगे और वो तो लोकल लैंग्वेज जानता नहीं है, हिंदी जानता है। तो ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि लैंग्वेज के कारण, रहन सहन के कारण, कल्चर के कारण काफी लोग क्या करते हैं कि दूसरे जगह जॉब निकालने की कोशिश करते हैं और जैसे निकलता है वहां से छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए आपको आरआरसी चेन्नई में इतना ज्यादा पार्ट पे रिप्लेसमेंट पार्ट पैनल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ काफी लोग दो तीन साल जॉब करने के बाद या एक साल जॉब करने के बाद या 6 महीना जॉब करने के बाद जो है नौकरी को छोड़ के चले जाते हैं, रिजाइन करके चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ काफी ज्यादा रिप्लेसमेंट पैनल इस बार भी आएगा, लास्ट ईयर भी आया था। ठीक है, टोटल पांच रिप्लेसमेंट पैनल आया था और कटअप बहुत ज्यादा घट गया था। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कटअप कितना गया था पीटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आरआरसी चेन्नई है यहाँ पे, और यहाँ पे ये पीटी का कटअप है। ठीक है, यहाँ पे पीटी का कटअप है, ये कटअप था। अब ये कटअप दोस्तों आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा, काफी मतलब उतना ज्यादा नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप दोस्तों देखिएगा, अगर हम 2000 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के पहले देख लेता हूँ कि उल्टा है ये अभी। ठीक है ना, मैं सीधा कर लेता हूँ अपने पेन को। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो पहले का कट ऑफ है वो 71 है, जो डीवी के लिए कट ऑफ गया था, मतलब 3 गुना बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है, और बाद में कट ऑफ कितना गया वो देखते हैं। तो बाद का जो कट ऑफ है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, बाद का जो कट ऑफ आया यू आर कैटेगरी में, यू आर कैटेगरी में, नीचे मैं थोड़ा लिखता हूँ, यू आर कैटेगरी का कट ऑफ गया था डीवी के लिए, ये कटअप बता रहा हूं मैं, 75 पॉइंट में 53। ठीक है, इतने नंबर वाले बच्चों का पहले डीवी में हुआ था, मतलब ये वन ये वेटिंग वाले भी बच्चे हैं, मतलब ये 105 गुना बच्चों को, मतलब 5% एक्स्ट्रा बच्चों को लिया गया था। तो 1:1 रेशियो में पिछले साल नहीं लिया गया था, तो ये 105% बच्चे हैं, मतलब 5% एक्स्ट्रा बच्चे इसमें। ठीक है ना, 5% एक्स्ट्रा बच्चे भी है, तो ये कटअप गया था जिनमें सबका सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि बाद में बच्चे ही नहीं मिलते हैं, काफी बच्चा डीवी में चढ़ जाते हैं। ओबीसी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आपको 72 पॉइंट में 63 कटअप गया था। ठीक है, ये 72 पॉइंट में 63। वही बात करें अगर हम एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में डीवी के बाद 65 पॉइंट में 56 कटअप गया था। अभी ये आपको ऑफिशियल देखने को नहीं मिलेगा, ये मैंने नोट करके रखा हुआ है। ठीक है, चेन्नई वाला कटअप है, बहुत मुश्किल से मैंने खोजा है दोस्तों ये कटअप, ये डीवी का कटअप है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये किसका कटअप है, डीवी का कटअप है। तो यहाँ पे देखिए कितना इंक्रीज हुआ यूआर में, यूआर में 71 से कितना हो गया 75, मतलब 4 नंबर के आसपास इंक्रीज हुआ, 4 ही नंबर पक्का इंक्रीज हुआ। ठीक है, 4 नंबर पक्का इंक्रीज हुआ। और ओबीसी में देखिएगा, ओबीसी में कितना इंक्रीज हुआ था, तो ओबीसी में देखिएगा यहाँ 72 हो गया, यहाँ भी 4 नंबर इंक्रीज हुआ, पक्का 4 नंबर इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद एससी कैटेगरी में देखिएगा, तो एससी कैटेगरी में भी सेम आपको 4 ही नंबर इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे एसटी कैटेगरी में भी 4 नंबर इंक्रीज हुआ। तो ये आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिला था। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले मैं इस चीज को हटा देता हूँ,
मैंने काफी ज्यादा खोजा दोस्तों, यहाँ पे जो सेकेंड डीबी हुआ था, थर्ड डीबी हुआ था, उसका कट ऑफ मुझे देखने को नहीं मिला। क्योंकि मैं आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ, जो आरआरसी चेन्नई का ही ऑफिशियल वेबसाइट है, और 2019 से पहले का रिकॉर्ड वहां देखने को मुझे मिला। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस वेबसाइट पे, ये आरआरबी चेन्नई का वेबसाइट है। चेन्नई की वेबसाइट में क्या है कि लेवल 1 2018 वाला ये पोस्ट है सब। उसके बाद जब मैंने नोटिस और रिजल्ट पे क्लिक किया तो यहाँ 23/12/2019 तक का ही अपडेट यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 23/12/2019 के बाद कोई भी अपडेट यहाँ देखने को नहीं मिला है, ठीक है। पैनल के रिगार्डिंग तो कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ देखिए सबसे लास्ट जो अपडेट आया, यहाँ पे आप कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं कि 4/3/2019 मतलब मार्च में आया था, और मार्च में आया था, उसके बाद कुछ भी पैनल नहीं आया। और यहाँ पे फॉर्मेट है रिप्रेजेंटेशन, चलिए इसे हम खोल के देख लेते हैं, तो इसमें भी कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अंतिम जो था वो मार्च के महीने में ही अंतिम अपडेट देखने को मिलेगा इस पेज पे। हालांकि आगे अपडेट आया होगा, उन्होंने ये डिलीट कर दिया होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों आप देखिएगा यहाँ रिप्लेसमेंट पैनल को देखिएगा, उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा ये जो 11 से 13 DB हुआ था, मतलब टोटल यहाँ पे 13 DB हुआ था, तो भी इनको जाके बच्चे मतलब बाद में मिल गए थे, ठीक है। जो लास्ट कटअप गया था यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, जो लास्ट कटअप गया था डीबी के बाद, पहले मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा जो अंतिम कटअप गया था 72.67 गया था, कितना गया था, 72.64 गया था जो अंतिम कटअप। और जो इनिशियल कटअप गया था मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, इनिशियल कटअप कितना मैंने बताया था, यहाँ देखिएगा लेवल 1 71.53, मतलब कटअप कितना कम रह गया था, कट ऑफ है 75 से 72 आ गया, मतलब डीबी का 75 गया था। डीबी का कट ऑफ कितना गया था मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, डीबी का कट ऑफ यहां गया था 75.53 के आसपास गया था, ठीक है। और ये कट ऑफ 72.64 आ गया, मतलब लगभग 3 नंबर आपका कट ऑफ घट गया, लगभग 3 नंबर वालों का हो गया था, ठीक है ना, 3 नंबर या 2.9 नंबर वालों का हो गया था। वही ओबीसी में आप देखेंगे तो ओबीसी का जो कट ऑफ था डीबी वाला वो था 72, और ओबीसी वाले का कितना हो गया, 69 में हो गया, तो यहाँ भी लगभग 3 नंबर में हो गया था, ठीक है। 72 से 69 आ गया, मतलब 3 नंबर वाले बच्चों का हो गया था ओबीसी में। और यहाँ पे एससी कैटेगरी में केवल 62 गया था, तो एससी कैटेगरी में कितना गया, 65 है, मतलब यहाँ भी 3 नंबर घटा, ठीक है। और यहाँ पे कितना गया, एसटी में 63 गया, तो यहाँ पे देखिए 60 है, मतलब यहाँ एसटी में 1 नंबर घटा, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज घटा था अंतिम पैनल आने के बाद। और यहाँ केवल 6 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि अंतिम में ज्यादा कैंडिडेट बचते नहीं है। तो यहाँ पे 13 DB तक आया था आरआरसी चेन्नई में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा रिप्लेसमेंट पैनल आया। उसके बाद यहाँ पे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ 5 रिप्लेसमेंट पैनल आया, उसमें कट ऑफ का तो ऐसी का तैसी हो गया, मतलब कट ऑफ इतना ज्यादा घट गया कि पूछिए मत। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले यहाँ देखिए रिप्लेसमेंट पैनल 1 है, यहाँ देखिए पैनल 1 लिखा हुआ है ना, तो रिप्लेसमेंट पैनल 1 है ये। तो यहाँ पे देखिएगा ये किसके लिए रिप्लेसमेंट पैनल 1 है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और कब तक इन्होंने लिया है, 2018 का वैकेंसी है, डेट दिया है कि कब तक एग्जाम हुआ था, और फिजिकल के लिए कब बुलाया गया था, मार्च 2019 में बुलाया गया था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बताया गया कि 27/4/2022 से 4/5/2022, मतलब 4 मई तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था, और उसी का ये रिप्लेसमेंट पैनल है। किसके लिए, नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, मतलब सभी कैटेगरी के लोग इसमें शामिल है। अब यहाँ पे दोस्तों जब नीचे जाएंगे तो ये कौन है, रिप्लेसमेंट पैनल 1 है। रिप्लेसमेंट पैनल 1 में केवल देखिए 47 बच्चों का सिलेक्शन लिया गया, और कट ऑफ क्या हो गया, देखिए कट ऑफ अब चला गया 75 से कितना चला गया कट ऑफ, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ हर एक कट ऑफ को, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। तो यहाँ पे देखिए कटअप कितना चला गया, कटअप देखिए 75 से यहाँ, ओह सॉरी, कटअप कितना था 75.53, और यहाँ कटअप कितना घट गया, कटअप लगभग 7 नंबर घट गया है, 7.68 नंबर। उसके बाद यहाँ देखिए ओबीसी का मैं बताता हूँ, तो ओबीसी का यहाँ देखिएगा ओबीसी का 72.63 है, तो 72.63 है अगर ओबीसी का, तो यहाँ पे 68 हो गया, मतलब यहाँ पे 4 नंबर घट गया आपका, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल में 4 नंबर तक घट गया, ठीक है। इनिशियल कटअप भी आपको एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, बाद में दिखा दूंगा।
इनिशियल कट ऑफ कितना था, या मैं लिख लेता हूं उसको बार बार कि आपको मुझे याद नहीं रह रहा है इनिशियल कट ऑफ कितना था, उससे भी कंपेयर करना चाहूंगा मैं इसे। तो इनिशियल कट ऑफ जो गया था सबका मैं लिख लेता हूँ, यू आर का कितना गया था इनिशियल 71 गया था, उसके बाद चार चार नंबर कम 68 गया था, उसके बाद यहाँ पे 61 गया था और यहाँ पे 55 गया था, ठीक है। ये था इनिशियल कटअप। अब दोस्तों इससे हम कंपेयर करते हैं रिप्लेसमेंट पैनल को, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट पैनल को हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे हम पेन ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, 70 मतलब से कितना कम चला गया, 68 गया था, 68 पे ही आ गया ये कट ऑफ, ठीक है। जितना गया था पीटी के लिए उतना ही पे कट ऑफ आ गया। 61 गया था एससी कैटेगरी का और यहाँ 62 है, अभी एक नंबर पीछे है पीटी के कट ऑफ से, ठीक है। और कट ऑफ कितना घट गया, कट ऑफ घट गया आपका 65 से कितना हो गया 62 हो गया, मतलब तीन नंबर यहाँ कट ऑफ घट गया अगर देखे डीबी वाले कट ऑफ से, और पीटी वाले कट ऑफ से अभी एक नंबर कम था ये पहला रिप्लेसमेंट पैनल में। एसटी कैटेगरी का 59 है और 59 पे ही आ गया, मतलब एसटी वाले बच्चे इन्हें मिल गए लगभग। और ओबीसी कैटेगरी का 68 गया था, 68 पे आ गया, ठीक है। बहुत जल्द देखिए पहला ही मैं आ गया 68 पे। और जनरल का कितना गया था, जनरल का 71 गया था, पीटी के लिए गया था 71 और यहाँ पीटी से भी तीन नंबर कम हो गया, ठीक है। मतलब बच्चे ही नहीं मिल रहे थे इसलिए कट ऑफ जाके बाद में क्या किया कि घटा दिया गया और यूआर कैंडिडेट को बुलाया गया, ठीक है। तो ये हाल था उस समय, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे वेटिंग वाल ये जो भी होंगे, मतलब ये रिप्लेसमेंट पैनल आया था और ये मैं ऑफिशियल आपको बता रहा हूँ, कहीं से फेक नहीं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ऑफिशियल बता रहा हूँ। अब जैसे भी इन्होंने लिया होगा ट्रैक मेंटेनर के लिए लिया था, ठीक है, ट्रैक मेंटेनर के लिए लिया था इन्होंने और यहाँ पे सारा कुछ ऑफिशियल लिखा हुआ है। और डेट आप दोस्तों देख सकते हैं कि 26/5/2022, मतलब वैकेंसी के कितने साल बाद, वैकेंसी के तीन साल बाद ये पैनल को निकाला गया रिप्लेसमेंट पैनल को। तो तीन साल बाद भी देखिए ज्वाइनिंग मिलता है, ईएलपी वाले में देखेंगे तो अभी तक ज्वाइनिंग मिलता है, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर आगे हम देखें, ठीक है, आगे दोस्तों देखें तो रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट टू आया जहां पे कितने बच्चों का सिलेक्शन लिया गया, 42 बच्चों का सिलेक्शन लिया और कट ऑफ को और भी ज्यादा कम कर दिया गया। मतलब यहां देखिए पैनल पार्ट टू और ये किस एग्जाम के लिए है, ये देखिएगा 17 ग्रुप डी एग्जाम के लिए लेवल वन लिखा गया होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए लेवल वन पोस्ट के लिए और किस पोस्ट के लिए, ट्रैक मेंटेनर पोस्ट के लिए, ठीक है। रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। यूआर के बच्चे ही नहीं मिले तो यूआर में क्या किया गया, ओबीसी वाले कैंडिडेट को डाला जा सकता है, एससी वाले कैंडिडेट को डाला जा सकता है। इसलिए आपको दिख रहा होगा कि यूआर के जो बच्चे पीटी पास, तो मैं एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यूआर के बच्चे जो क्या थे, 71 वाले ही बच्चे पीटी पास थे, 71 वाले ही बच्चे पीटी पास थे। जब 71 से ये कट ऑफ घटेगा तो किस कैटेगरी के बच्चे रह जाएंगे, रिजर्व कैटेगरी के, ठीक है। तो जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होंगे उनको क्या किया जाएगा, यूआर बना दिया जाएगा, ठीक है, उनको यूआर का सीटी दे दिया जाएगा। इसलिए वहां पे आपको यूआर लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। उसमें कोई आपको डाउट नहीं करना है कि ये मैं कोई फेक आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ऑफिशियल बता रहा हूँ और काफी ज्यादा मेहनत किया मैंने डाटा को खोजने में, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे कि रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट टू में क्या हाल हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बच्चे ही नहीं मिले थे, यूआर के सारे बच्चे कंप्लीट हो गए थे और यहाँ इस बार भी ऐसे ही होने वाला है चेन्नई में। तो सबसे सेफ जोन क्या होता है, चेन्नई होता है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे 42 कैंडिडेट आए थे, मतलब पार्ट टू में, और ये कट ऑफ 61 पे चला गया। मतलब ये कट ऑफ 61 किसका था, एससी कैटेगरी का 61 गया था पीटी के लिए। तो ये जो कट ऑफ आप दोस्तों देख रहे हैं 61 है, ये किसका चला गया, एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को शामिल कर लिया गया, किसमें, यूआर में। एसटी कैटेगरी वाले जो बच्चे थे उनको एससी कैटेगरी वाले बच्चों को किसमें शामिल किया गया, यूआर में। एससी कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा रहा क्योंकि यूआर का वैकेंसी खाली रह गया था, उनको वहां भेजा गया। तो ये कट ऑफ अब यहाँ पे कितना, 62 से कितना हो गया, एक बार मैं देख के बता देता हूँ। पार्ट वन में कितना था, पार्ट वन में यहाँ पे, पार्ट वन में अगर देखे तो एससी कैटेगरी का कितना था, 62.37 था और यहाँ पे कितना हो गया, 62.03, मतलब थोड़ा सा 0.3 नंबर का अंतर हो गया यहाँ पे। कितना नंबर का, 0.3 नंबर का अंतर हो गया, ठीक है। उसके बाद 0.3 नंबर का यहाँ घट गया। उसके बाद 59.82 और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना है, पार्ट वन में 59.92, मतलब 0.1 नंबर का अंतर हो गया और ओबीसी के बच्चे मिले ही नहीं क्योंकि ओबीसी का भी सीट बचा ही नहीं,
ठीक है, ओबीसी के कैंडिडेट बचे ही नहीं, ओबीसी के कैंडिडेट का भी सीट खाली रह गया, ठीक है ना। तो सब एससी और एसटी कैटेगरी को यूआर में भेज कर जॉब दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आगे, ये पार्ट टू मैंने दिखा दिया, पार्ट थ्री वाला देखिएगा, पार्ट थ्री में क्या हुआ था उसको भी हम देखते हैं यहाँ पे। तो पार्ट थ्री में 18 कैंडिडेट मिले और रिप्लेसमेंट पैनल में यूआर एससी और एसटी लगभग तीनों का कट ऑफ एक है, जिसमें देख सकते हैं कि यूआर और एससी का कट ऑफ तो एक है, एसटी का कट ऑफ क्या है 59.82 है, मतलब कट ऑफ बहुत ज्यादा कम हो गया। और जो इनिशियल में एसटी का कट ऑफ गया था वो यूआर का कट ऑफ चला गया, मतलब एससी वाले बच्चों को यूआर में भेजा जा रहा है और एसटी एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों का सीट खाली है। तो चेन्नई में क्या होता है कि जहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है वहाँ ज्यादा बच्चे जॉब नहीं करते, और खासकर एससी और एसटी कैटेगरी वाले। तो यूआर का जो क्या होता है वैकेंसी मतलब रह ही जाता है, जिसका कम थोड़ा सा रहा होगा यूआर को सभी को जॉब मिल गया होगा। तो ये चेन्नई में ऐसा ही होता है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आगे दोस्तों देखेंगे यहाँ पार्ट फोर आया, रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट फोर, मतलब केवल 14 कैंडिडेट को लिया गया और यूआर में 59.46, ये कट ऑफ किसका गया था एससी, ये कट ऑफ गया था, मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ पहले, ये कट ऑफ किसका गया था एससी एसटी कैटेगरी का, और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को किस में बना दिया गया यूआर में, और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे एससी कैटेगरी वाले बच्चे भी खत्म हो गए, अब केवल एसटी कैटेगरी वाले बच्चे मिले, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं क्या हालत हो चुका है कि यूआर के बच्चे, ओबीसी के बच्चे, एससी के बच्चे मिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, चेन्नई वाले रीजन में। अब दोस्तों आगे चलेंगे रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट फाइव में चलेंगे, रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट फाइव में जब चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यूआर का 59.39 है, एसटी का 59.18 है, मतलब जो कट ऑफ पीईटी का, जो कट ऑफ पीईटी का किसका गया था एसटी कैटेगरी का गया था वो भी घट गया, और ये कितना घट गया 0 पॉइंट में, यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट में 1.4 कट ऑफ ये घट गया, क्योंकि 59.32 कट ऑफ गया था, और यूआर का कट ऑफ कितना हो गया, जो एसटी का कट ऑफ था 59 पॉइंट में 32, वो क्या हो गया उससे थोड़ा सा ज्यादा है 0.007 मार्क्स है, और 59.39 ये कट ऑफ है 39868, मतलब क्या हुआ अंतिम में एसटी वाले बच्चों से यूआर की सीट को इनको फिल करना पड़ा, क्योंकि जितने बच्चे पीईटी पास थे यूआर में वो तो पहले ही निकल चुके थे, वो तो मतलब वो निकल गए, और जो पीईटी फेल हो गए उनको तो बुलाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि पीईटी केवल एक बार कंडक्ट किया जाता है। तो बाद में क्या हुआ साउथ ने जो यहाँ पे मतलब चेन्नई वाले रीजन में बच्चे ही मिलने बंद हो गए, तो दूसरे कैटेगरी वाले बच्चों को यूआर में भेज भेज कर उस वैकेंसी को फिल किया गया, क्योंकि यूआर की वैकेंसी को यहाँ ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए कट ऑफ क्या हुआ काफी ज्यादा कम चला गया यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि इनिशियल कट ऑफ कितना गया था, इनिशियल कट ऑफ गया था 75, ठीक है, इनिशियल कट ऑफ कितना गया था 75.53 यूआर का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये कट ऑफ कितना हो गया 16 नंबर तक कट ऑफ क्या हो गया घट गया, 16 नंबर, सोचिए 16 नंबर बहुत ज्यादा होता है, 16 नंबर आपका कट ऑफ क्या हो गया यूआर का घट गया। और बाकी सब कैटेगरी में क्या हुआ कि बच्चे शॉर्टफॉल हो गए, और यहाँ केवल एसटी कैटेगरी में बच्चे बच गए, जिनको कुछ ऐसे बच्चे बच गए जिनको जॉब नहीं मिला, ठीक है, जॉब सभी को मिल गया, जॉब सभी को मिल गया, मतलब एसटी कैटेगरी में भी एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाया गया, ठीक है। यहाँ पे एसटी कैटेगरी में भी शॉर्टफॉल हो गया, मतलब सारे कैटेगरी में यहाँ शॉर्टफॉल हो गया, और पांचवें डीवी के बाद इनके पास बच्चे ही नहीं बचे कि पैनल निकाले, वैकेंसी बचा होगा पर बच्चे बचे तब तो, मतलब हो सकता आगे भी निकाले, अगर कोई रिप्लेसमेंट पैनल हो सकता है कि इसका आगे भी आए, क्योंकि रेलवे का क्या होता है कि अगर 2018 का वैकेंसी है तो 2018 से ही बच्चों को लेंगे ये, ठीक है, 19 वाले वैकेंसी से नहीं लेंगे, तो ये चीज रेलवे में होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या है कि वेटिंग लिस्ट नहीं रखा गया, आप लोग सभी को पता है कि वेटिंग लिस्ट के बारे में रेलवे ने क्लियर मना कर दिया है, बट एक नोटिस में इन्होंने बताया कि अगर ये वैकेंसी शॉर्टफॉल होती है तो क्या होगा कि रेलवे एक ईयर के अंदर सभी कैंडिडेट को बुलाकर मतलब कट ऑफ को डिक्रीज कर कर आपको बुलाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा चांस है कि जो सेकेंड डीवी होगा, जो थर्ड डीवी होगा, ठीक है, चेन्नई रीजन का मैं खासकर बता रहा हूँ, जो फोर्थ डीवी होगा, यहाँ तक पांचवें डीवी तक भी आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, चेन्नई वाले रीजन में बहुत ज्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ जो बच्चे हैं उनका बहुत ज्यादा चांस है, लगभग मैं बोलूंगा 100% चांस है कि इस बार आप लोग का
हो जाएगा। 100 क्या 200% आप लिख के रख लीजिए कि 200% चांस है कि अगर आपने पीटी केवल पीटी क्वालिफाई किया है, केवल पीटी क्वालिफाई किया है तो आपका निश्चित रूप से किसी भी कैटेगरी में, ऑल कैटेगरी में, ध्यान दीजिएगा ऑल कैटेगरी में आपका निश्चित रूप से जॉब रखा हुआ है। कितना परसेंट? 200%। ठीक है, तो आपका निश्चित रूप से जॉब हो जाएगा। और सेकेंड डिवी थर्ड डिवी कब आएगी इसके बारे में भी मैं जानकारी दे देता हूं। तो सेकेंड डिवी आपको देखने को मिल जाएगी जैसे आपका डीवी का शेड्यूल खत्म हो जाएगा। डीवी जब भी चेन्नई का खत्म हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद आपको, मतलब तुरंत क्या मतलब 10 दिन के अंदर क्या होता है, पैनल आता है। ठीक है, 10 दिन के अंदर पैनल यहाँ आएगा। ठीक है, पहला पैनल देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है कि जो कैंडिडेट को वेटिंग में भेजा गया, मतलब मान लीजिए किसी कैंडिडेट को पेंडिंग में भेज दिया जाता है, तो पेंडिंग कैंडिडेट का भी पैनल बाद में आता है। तो इसके लिए हो सकता है कि एक महीने का समय लग जाता है, 1 मंथ का भी समय लग जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है, पेंडिंग में किसी को नहीं भेजा जाता है, तब तो आपका 20 से 25 दिन में काम हो जाएगा। अगर पेंडिंग में भेज दिया जाता है तो मान के चलिए कि यहां से पैनल आने के 50 दिन के बाद ही आपका, पैनल आने के 50 दिन के बाद कम से कम सेकेंड डीवी का लिस्ट आएगा। ठीक है, पैनल आने के 50 दिन बाद। ये डिपेंड करता है कि आरआरसी किस तरह से काम करता है। अभी तो फिलहाल मिशन मोड के तहत काम हो रहा है, तो हो सकता है ये काम जल्दी भी हो जाए, जल्दी जल्दी पैनल निकाला जाए। लास्ट ईयर मैंने देखा था कि अहमदाबाद वाले रीजन में लगभग पहला पार्ट पैनल निकालने के बाद, पार्ट पैनल टू निकालने के लिए जो पेंडिंग वाले कैंडिडेट थे उनको क्लियर करने के लिए लगभग 2 महीने का समय ले लिया गया था। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट से लगभग 3 महीने का समय इन्होंने ले लिया था पहले डीवी के बच्चों को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो चेन्नई में हो सकता है कि जल्दी जल्दी काम किया जाए, क्योंकि चेन्नई थोड़ा फास्ट आरआरसी रीजन है, तो यहाँ पे थोड़ा हो सकता है कि जल्दी जल्दी आपको प्रोसेस देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आपका अभी कौन सा मंथ है, फरवरी, मार्च में आपका क्या होगा, मार्च में आपका ये डीवी वाला जो काम होगा ये खत्म हो जाएगा, तो आपको लगभग अप्रैल करना, वेट करना होगा अप्रैल 20 तक, 20 अप्रैल तक आपको सेकेंड डीवी देखने को 100% देखने को मिलेगा। और ये मैंने क्या बताया, लेट से लेट डेट बताया, मतलब ये अंतिम से अंतिम बता रहा हूं, पहले भी देखने को मिल सकता है, बट 20 अप्रैल तक आपको पक्का 100% सेकेंड डीवी देखने को मिलेगा चेन्नई वाले रीजन से, आरआरसी चेन्नई वाले रीजन से 20 अप्रैल तक आपको सेकेंड डीवी देखने को मिलेगा। और यहाँ सेकेंड डीवी में कटअप कितना घट सकता है, अगर आपका एक नंबर कम है यूआर कैटेगरी से तो आपका हो जाएगा, ओबीसी कैटेगरी से अगर आपका 0.4 से 0.5 नंबर कम है तो आपका चांस बनेगा ओबीसी कैटेगरी से। ठीक है, पहले डीवी में बहुत ज्यादा नहीं घटता है, 1 से 1.5 तक, यहां मान के चलिए 1 से 1.5 तक है आपका अगर नंबर कम है तो सेकेंड डीवी में आपका चांस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एससी कैटेगरी में अगर बात करें तो एससी कैटेगरी में 0.3 के आसपास घट सकता है और एसटी कैटेगरी में बहुत कम घटेगा, 0.15 के आसपास मुझे लगता है कि घटेगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं घटता है बाकी सब कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का 2 नंबर से 2.5 नंबर भी घट सकता है। ठीक है, 2 नंबर से 2.5 नंबर तक घट सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट क्या है, इनके बीच में बहुत ज्यादा रेंज है और कटअप के बीच में। यूआर में क्या है कि बहुत ज्यादा नजदीकी है, यूबी ओबीसी फाइट कर रहे हैं यूआर से, ईडब्ल्यूएस वाले फाइट कर रहे हैं, एससी वाले फाइट कर रहे हैं, एसटी वाले फाइट कर रहे हैं, सारे कैटेगरी यूआर में फाइट कर रहे हैं जो टॉपर्स में आते हैं, तो इसलिए यूआर में बहुत ज्यादा नहीं घटता है, बट अदर कैटेगरी की तुलना में यूआर का कटअप क्या होगा, ज्यादा घटेगा, ईडब्ल्यूएस का बहुत ज्यादा कटअप घटने वाला है। ठीक है, 2 से 2.5 नंबर निश्चित रूप से घटेगा हर एक जोन में। ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कटअप हो सकता है कि बच्चे इनको लास्ट में मिले ही ना, ईडब्ल्यूएस का जो वैकेंसी होगा वो खाली जाने का पूरा उम्मीद है, तो जिनका भी पीटी निकल गया ईडब्ल्यूएस से उनका 100% हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना, वीडियो दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। मैंने अपने तरीके से आप लोग को बता दिया कि सेकंड डीवी का क्या चांसेस है, कितना चांसेस है और कैसे सेकंड डीवी निकलेगा, क्या कट ऑफ कम हो सकता है, और कंपेयर भी करके दिखा दिया बिल्कुल ऑफिशियल डेटा से। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह गया होगा या किसी और टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए होगा, किसी और आरआरसी रीजन के बारे में आपको चाहिए होगा डेटा, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।